हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम सेक्शंस को याद कर सकते हैं। और आप लोगों को सेक्शन याद करवाने के लिए मैंने एक टॉपिक चूज किया है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोस्पेक्टस का सेक्शन कौन सा है, प्रोस्पेक्टस का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 70। मैं सेक्शन पे इतना स्ट्रेस इसलिए देता हूँ क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ज्यादा स्कोर करना है, इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि अगर आपने एग्जाम में रेलेवेंट सेक्शन लिख दिया तो एग्जाम में आपका स्कोर 10-15 मार्क्स बढ़ सकता है। तो मैं आज आपके साथ प्रोस्पेक्टस के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको प्रोस्पेक्टस के सारे सेक्शन याद करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोस्पेक्टस चैप्टर के सारे सेक्शंस को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। और याद करवाने के लिए मैंने कुछ मिनियोमोनिक्स डेवलप किए हैं जो मैं आपको अभी याद करवाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले याद करवाने में हमारी हेल्प करने वाले हैं इंडियन टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी। यस, तो महेंद्र सिंह जी धोनी हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमें नाम याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी का। इसे मैं आगे स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टस के जो सेक्शन है, प्रोस्पेक्टस के सेक्शन 2 क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है और जो प्रोविजंस है दे स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 से प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस स्टार्ट होते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो हमें बस याद करना है कौन सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 23। बाकी के सेक्शन सीक्वेंस में हम बड़ी ही आसानी से आराम से याद कर लेंगे। तो सेक्शन याद करने का पहला तरीका, हमने नाम किसका लिया, तो पहला नाम जो हमने डिस्कस किया दैट नेम इज महेंद्र सिंह धोनी जी। सो महेंद्र सिंह धोनी वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, स्टोरी पे ध्यान दीजिएगा। महेंद्र सिंह धोनी वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो देखिए MSD महेंद्र सिंह धोनी wants to be appointed as chief vigilance officer, right? लेकिन chief vigilance officer क्या DA हमें बढ़ाना पड़ेगा, we have to increase his DNS allowances और उसके लिए we need to pass SR special resolution। और ये special resolution कौन पास करेगा? This special resolution shall be passed by the company called ACC Cements, right? एसी सीमेंट्स। तो हमें दो नाम याद करने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का अपॉइंटमेंट हो रहा है चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उनका डीए हम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए वी नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन एसीसी सीमेंट कंपनी, राइट? एसीसी कंपनी सीमेंट की कंपनी है। तो सबसे पहले हमने जो मिनियमोनिक बनाया दैट इज MSD सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25। तो ये पूरे फर्स्ट वर्ड आपको लिखने हैं और फर्स्ट वर्ड लिखने के बाद सिंपली हमें एक लाइन में सेक्शन का सीक्वेंस डालना है। MSD देन सेक्शन नंबर 26, 27, 28 सेक्शन नंबर 29, सेक्शन नंबर 30, 31, 32, 33 34 and 35, right? So, ये मैंने कुछ sections का placement किया है। ये placement मैंने as per the story किया है, उस story के according मैंने इसे इस तरीके section में लिख दिया है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब सारे section हम बड़ी आसानी से याद करने वाले हैं। सबसे पहले M का मतलब क्या होता है? तो M का मतलब होता है method of fund raising. So this means methods of fund raising. यानी कि सेक्शन 23 में ये लिखा हुआ है कि कोई कंपनी, सेक्शन 23 में ये लिखा हुआ है कोई कंपनी किस तरीके से फंड रेजिंग कर सकती है, पब्लिक इशू लाकर, IPO, FPO, ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 23 में। तो कंपनी के फंड रेजिंग का फॉर्मूला सेक्शन 23 ने दिया। सेक्शन 24 में है सेबी की पावर्स, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पावर्स यहां गिवन है, किसमें? सेक्शन 24। सो एस स्टैंड्स फॉर सेबी, एस स्टैंड्स फॉर सेबी। महेंद्र सिंह धोनी हमने याद किया था, अब हमने नाम याद किया, एम एस स्टैंड्स फॉर सेबी की पावर्स।
सेबी की पावर्स। सेबी की पावर्स में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 24 कहता है कि सेबी किसी भी पब्लिक इशू में, सेबी कैन मैनेज दी, प्रोसेस। मैनेज करने से यहां मतलब है सेबी कैन मॉनिटर दी प्रोसेस। सेबी उसके लिए गाइडलाइंस बना सकती है, जैसे कि सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब किसी कंपनी का पब्लिक इशू आता है तो कंपनी को कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी गाइडलाइंस के साथ भी कंप्लायंस करना पड़ता है। और ज्यादा फॉलो सेबी गाइडलाइंस को कहा जाता है, कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है सेबी गाइडलाइंस को, सेबी आईसीडीआर गाइडलाइंस, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सेक्शन 25, ओके, सेक्शन 25 किसका है, सेक्शन 25 है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का, राइट, जिसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस भी किया था। सेक्शन 26, दिस इज अबाउट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट लिखेगी, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 26। सो MSD कंटेंट्स। नाउ वी स्टैंड्स फॉर वेरिएशन इन कंटेंट्स, वेरिएशन इन कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में वेरिएशन आ रहा है, ये सारे प्रोविजन कहाँ है, ये सारे प्रोविजन सेक्शन 27 में है। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर फॉर सेल। यस, जब कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स ऑफर करते हैं तो वो किस में गिवन है, वो गिवन है सेक्शन 28 में, ऑफर फॉर सेल। सेक्शन 29 कहता है कि शेयर्स हमेशा डीमैट फॉर्म में इशू किए जाएंगे जब किसी कंपनी का पब्लिक इशू आएगा, राइट। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ने कहा शेयर्स हमेशा डीमैट फॉर्म में इशू होंगे। सेक्शन 30 इज अबाउट एडवर्टीजमेंट। जब कंपनी के पब्लिक इशू का जो एडवर्टीजमेंट आएगा उसके प्रोविजन किस में गिवन है, उसके प्रोविजन सेक्शन 30 में गिवन है। सेक्शन 31 एस आर स्टैंड्स फॉर शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड आर स्टैंड्स फॉर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की, विच इज अबाउट एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, राइट। एब्रिज्ड के बाद नेक्स्ट दो सेक्शंस बच रहे हैं जो कि कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टस के चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये दो सेक्शंस जिसमें सीसी लिखा हुआ है, दीज सेक्शंस आर अबाउट लायबिलिटी। अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होगा ना तो कंपनी के ऊपर सेक्शन 34 या सेक्शन 35 लगेगा। तो दो तरह की लायबिलिटी आती है, क्रिमिनल लायबिलिटी एंड सिविल लायबिलिटी। सर पहले कौन सी लायबिलिटी लिखें, देखिए ये बताइए ज्यादा पनिशमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी किसमें, क्रिमिनल लायबिलिटी में या सिविल लायबिलिटी में, आप बताइए, गेस कीजिए। आप बोलेंगे सर क्रिमिनल लायबिलिटी में जेल होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है और सिविल लायबिलिटी में जेल होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो जिसमें पनिशमेंट ज्यादा हाई हो उसका सेक्शन पहले आता है, और जिसमें पनिशमेंट थोड़ी सी कम हो, जिसमें जेल होने की पॉसिबिलिटी कम हो, उसका सेक्शन बाद में आता है। तो सेक्शन 34 इज अबाउट क्रिमिनल लायबिलिटी। आई एम वेरी श्योर कि अब आप नहीं भूलेंगे कि 34 में क्या आएगा एंड 35 में क्या आएगा। तो जिसमें पनिशमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है उसका सेक्शन पहले आता है, और जिसमें पनिशमेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है उसका सेक्शन बाद में आता है। तो ये हमने डिस्कस किए प्रोस्पेक्टस के कुछ सेक्शंस, मैंने सेक्शन 23 से लेकर और सेक्शन नंबर 35 तक आपके साथ डिस्कस किया। हमने लगभग 13 सेक्शंस यहाँ डिस्कस किए, और हमने छोटी सी कहानी पढ़ी महेंद्र सिंह धोनी को जब चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया गया तो उसके बाद उन्हें उनके डीए को इंक्रीज करने के लिए हमें एक एसआर पास करना पड़ा, कौन सी कंपनी में, इन एसीसी कंपनी।
तो ये महेंद्र सिंह धोनी को जब हमने CBO बनाकर DA बढ़ाने के लिए SR पास किया ACC में, तो इस तरीके से हमने 13 सेक्शंस को बड़ी ही आसानी से याद कर लिया। तो जब आप प्रोस्पेक्टस का चैप्टर कंपनीज एक्ट में पढ़ें, तो उसे पढ़ने से पहले आप एक पेज पे ये MS धोनी की कहानी जरूर लिख लीजिएगा, जो कहानी आपको मैंने सुनाई है। कहानी पूरी तरीके से इमेजिनरी है और इसका रियल में कोई इसका किसी भी और रियल में इसका किसी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस ये कहानी आपको सेक्शंस मेमोराइज करवाने के लिए है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Stay tuned, keep watching. Thank you so much.